किया ये नाश्ता, काफ़ी सारी चीज़ें हैं नाश्ते में, और सर्दी भी इतनी मज़ेदार वाली पड़ी है, तो जल्दी से पहले करते हैं नाश्ता। यहाँ रखने की बेसिकली वजह ये है, इसके अंदर आज एक और नई चीज़ ये है, ईरानी खुबानी। और अभी टाइम हो रहा है 8:49। गाइस आज के नाश्ते में एक नई चीज़ है, ये देखें, ये है अंजीर गोल वाली जो है, और छोटे छोटे जो है ये मुनक्के, और अंजीर की अल्लाह ताला ने कसम खाई कुरान शरीफ में के सोच के खाएंगे ये होगा, जीर और जैतून की कसम अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में खाई है। देखिए आप, सर्दियों की सौगात है ये। Assalamualaikum, welcome to Babar Nasir Official, this is Babar Sheikh, welcome to another vlog, और अभी अभी हुई है गुड मॉर्निंग, और पीछे मैं बाहर खड़ा हुआ था, मैं देख रहा था सुबह से के इलेक्ट्रिक वाले आए हुए गली में, तो मैं देख रहा था कि क्यों आए हुए, हमारी बिजली बिजली तो नहीं काटने आए हुए कहीं। खैर लेकिन बिजली काटते काटते दो आई गायब भागती हुई आंटी के मुंह के पास, और आंटी बची हो इंची में, आंटी के दांत वाँत आज टूटने थे। खैर सुबह सुबह मुझे मिल गया एक काम, मम्मी ने दिया है मुझे काम, तो वो काम मुझे निपटाना है, चलते हैं, उनको कहीं जाना है, तो उनके कपड़े वपड़े पड़े हुए कहीं, वहां से कपड़े उठाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू व्लॉग। यार इतनी चिपका के मैं क्यों लगाता हूँ गाड़ी, यार क्यों लगाता हूँ मैं इतनी चिपका के गाड़ी, ए बच जाता है, हट जाओ, भाग क्यों रहा है। जुम्मे का दिन होता है और जुम्मे वाले दिन ये होता है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऑफिस जल्दी जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज के बाद जाते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, तो इस वजह से बाहर होता है ट्रैफिक जैम, और हम पहुंच के अपनी मंजिल पे जल्दी से उतरते हैं, गाड़ी लगाते हैं पहले। और पार्किंग नहीं है, गाड़ी मुझे लगानी पड़ी मेन रोड पर। हैंडल ही टूटा हुआ है, इसको हम फंसाते हैं। अच्छा गाइज ये जो कट है बेसिकली सामने हो जाता है बंद, क्योंकि आज है जुम्मा, तो शुक्र है कि हम जल्दी से भाग के आ गए हैं, पुलिस पुलिस वाले खड़े हुए हैं, ट्रैफिक जैम है। क्या बात है जी, कैसे हो भाई, ठीक हो? आपकी वजह से हमारा मोहल्ला हिफाजत में भाई, जो बात है आपकी मोहब्बत है आपकी, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। मैं आई एम लिविंग इन पुलिस लाइन, तो मेरे मोहल्ले में जितने भी मतलब मेरे दोस्त यार हैं वो ऑलमोस्ट एनसीएन पुलिस, तो ये है कि मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि सब ने मुझे बचपन से देखा है, बड़ा होके देखा है, अभी मैं साथ होता हूँ, मैं व्लॉगिंग करता हूँ, तो लोगों को मतलब बहुत मज़ा आता है, सब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा हमारे यहाँ ये सीन होता है, अगर आप सर्दियों में स्वेटर वगैरह अपर वगैरह कुछ पहन रहे हो, अगर आपने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी हो, तो आप ये देखो क्या हुआ, पूरे सारे बाल बाल चिपक गए हैं, ये हटाने से नहीं हटेंगे, कुछ तो हीरो के हैं, कुछ बिल्ली के हैं, और कुछ स्वेटर में से निकले हैं, स्वेटर के बाल हैं कुछ। आदिया को भी मैंने ले लिया स्कूल से बैठ गए, स्कूल की छुट्टियां हो गई। करोगी जीना हराम सबका है ना? हाँ, हाँ। तंग करोगी अब? चाची मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। बेटा पप्पो को ना मसला होता है अंदर गली में ले जाने में, इसलिए फुप्पो का डिस्टेंस देख गया। गाड़ी में दोबारा से चिपका रहा हूँ, लगा रहा हूँ वापस से, टाइम हो रहा है 12:05। और आपने जिंदगी में कभी इतनी क्यूटनेस की इंतहा देखी है? बाबा मामू गुड मॉर्निंग मेरी बुलबुल छोटी जी। अच्छा अच्छा अच्छा, सो जाओ सो जाओ। सीन हुआ है वो ये है कि जो मुगले आजम था हमारा वो मर चुका है, और इनकी होल फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सही है, लेकिन सर्दी है आपको पता है, जानवरों को बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, तो मेरी बहन ने इसका नाम रखा था मुगले आजम, लेकिन ही इज़ नो मोर, मुगले आजम इज़ नो मोर। बिरू देखो कौवे से, क्या वो उदास हो गया बिरू, मुगले आजम मर गया बिरू, बिरू भी उदास हो गया, देखिए देखो। What is this? A dessert.
जुम्मे का दिन है और टाइम जो है वो पहली अजान हो चुकी है लेकिन लाइट नहीं है एज यूजुअल। खैर अंधेरे में मैंने चेंज वगैरह कर लिया, क्या बोलूँ कि इलेक्ट्रिक वालों को, क्या निकालूँ अपने दिल से इनके लिए। खैर एनीवेज मैं तैयार होकर चलते हैं नमाज पर। हमेशा की तरह जैसे मैं लेट ही होता हूँ आज भी मैं लेट ही हूँ एज यूजुअल, लेकिन फिर भी टाइम है, अभी अभी सिर्फ पहली अजान हुई है। So, हम आ गए नमाज पढ़कर घर पे और ये भी पहुंचे हैं। सलमा कैसी हो तुम? अल्लाह बुआ ठीक ठाक, अल्लाह तुम लोगों के नसीब बच्चे के। फोन की स्क्रीन तो हो गई साफ और अभी टाइम हो रहा है 3:29 और लैपटॉप ने इतना तमाशा किया हुआ, मतलब हर चीज ने तमाशा किया हुआ, हर चीज तमाशे कर रही है, हर चीज लड़ने मरने काटने को दौड़ रही है, पता नहीं क्यों, तो पता नहीं क्या हो गया। इसको तो मैंने किया डायरेक्ट बंद, दोनों को डालते अंदर। ये तो मेरे वालिद साहब ने बहुत पहले मैंने संभाल के रखा है, इसको सिर्फ और सिर्फ बुलबुल की वजह से ऊपर रखता हूँ क्योंकि वो मेरी चीजें उठा उठा के फेंकती है। टाइम हो गया है खाने का और आ गई है कढ़ाई, तो जल्दी से खाते हैं कढ़ाई। वाह जी वाह, क्या बात है। बैर का खाना खाने के बाद तो मैं सो गया। अभी टाइम हो रहा है 12:42 रात के और आज के सीन्स कुछ यूँ हैं कि सडन सीन्स हैं जो भी हैं, और मैं उठ गया हूँ सोकर, मैंने चेंज वगैरह भी कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दी आज बड़ी तेज़ लगी है, मोज़े मोज़े भी पहन लिए मैंने, आराम से नींद पूरी की आज रच के। तब यही सीन हुआ है कि मेरी आँख लग गई और आँख खुलने का नाम ही नहीं लिया। पीछे जो बुके रखा हुआ है वो समवन सेंड्स मी वेरी क्लोज, एज यू नो क्या आई लव फ्लावर्स, फ्लावर्स मुझे बेतहाशा पसंद है, और कोई मुझे फ्लावर्स भेजे और मैं सो के उठूँ और फ्लावर्स रखे हो तो क्या बात है जी। थोड़ी जैकेट शैकेट भी मैंने डाल ली है, थोड़ी कैप शैप मैंने लगा ली, थोड़ा तैयार हो गया हूँ मैं। सर्दियों में तो मौका मिलता है लुक बनाने का, तो लुक शुक सब बन गए, ये चलते हैं बाहर। अभी देखो अभी टाइम हो रहा है 1:56, तुम चलो मेरे साथ बस। चलो बस चलो वापस गाड़ी लेके आ जाना, ठीक है? जा कहाँ रहा है, क्या हो गया तने? चल 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 इतना, इतना। मैं गाड़ी छोड़ूंगा, मैं तू वापस आई हूँ, सही है? और ये देखे निकलते के साथ ही एक तरफ गाड़ी कल्टी हुई हुई है, सामने देखो हमारी नकल्टी हो जाएगी। अल्लाह ना करे भाई, क्या हो गया तेरे को? सिग्नल बंद है इसलिए बोलते हो, सिग्नल नहीं तोड़ना चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्या बोलते हो? क्यों जा रहा है? बस बेटा चल, तू चलोगे आप आराम से बैठोगे और देखोगे क्या हो रहा है। कहाँ लेके जा रहा है ये, तू एयरपोर्ट क्यों आ गया? अरे वहां तक तो मेरा हाथ ही नहीं जा रहा है। देख मैं तुझे लेके आ गया अंदर अहमद, ये जिना हॉस्पिटल एयरपोर्ट क्यों आ गया है तू? मैं तेरे को पूरा अंदर तक लेके जाऊंगा एंड तक, और अंदर से घूम के ना पता है क्या करूँगा, अंदर से घूम के बाहर आ जाऊंगा। अंदर तक जाऊंगा तेरे को बताऊंगा, नहीं कसम खुदा की। असल में पता है क्या, यहाँ पता है क्यों लेके आया हूँ, देख सब आ रहे हैं अंदर से। सच में रेल में उसी का इंतजार कर रहे हैं, वाकई में देख सब लोग खड़े, सच बता रहा हूँ वाकई में। यहाँ से निकल चुके हम लोग, क्यों बैठे हैं? बस तेरे को ख्वार करवाने का दिल हो रहा है। ढूंढ रहा है मजाक करने के लिए लेके आया था तेरे को, पागल किसको ढूंढ रहा है सच में? कैसे कोई आ रहा है तेरे को मजाक करने के लिए लेके आया, समझ नहीं रहा मैं। नहीं नहीं इतना ख्वार मैं अच्छी तरीके से, ये लोग देख कैसे जा रहे हैं। देना मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना प्रैंक करते हुए पहुंचे हैं यहाँ पे, और ऑलमोस्ट जो हमारा दोस्त गया था वो आ गया वहाँ पे फॉर सम पर्पस, तो बताएंगे आपको इंशाल्लाह ताला। हम लोग निकल गए एयरपोर्ट से और टाइम अभी हो रहा 3:12 रात के,
इतनी डिलेड थी फ्लाइट आज की। बुर्ज खलीफा से पतलैंडी और डायरेक्ट यहाँ पे लैंड करिए। टाइम हो रहा रात के 3:51 और अहमद निकाल रहा है गाड़ी में से सामान। देर आज बहुत ज़्यादा हो गई क्योंकि एज यूजुअल आपको पता है कि मेरा दोस्त जो गया था दुबई वो वापस आ गया दुबई से। तो इस ब्लॉग को करते यहीं पर एंड। आई होप आप सबको मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो इस ब्लॉग को लाइक यार चुप हो जा। बाबर 15 किलो का आदमी 10 किलो का लगेज उठाएगा। आई होप आप सबको मेरा आज का ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो इस ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह बाय बाय।